सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्नो गाय चैनल को और एक घंटे को दबाइए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल इंडियन टेक्नो गाय में। तो आज इस वीडियो में आपको एक फ़ोन के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर 12 GB रैम है, 1 TB 1 TB इंटरनल स्टोरेज है और जो है 60 MP का रियर कैमरा है। अब जी मजाक मत समझिएगा, ये बात मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। चलिए आप मैं फ़ोन का शक्ल भी दिखाता हूँ कैसा है, ऐसा फ़ोन दिखता है। तो अगर आपको इस फ़ोन के बारे में पूरी तरह जानने कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो जी वीडियो को आखिर तक देखते रहें और जो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि आजकल डेली की ज़िंदगी में जो है हम लोग की मांग बढ़ रही थी रैम और इंटरनल स्टोरेज के मायनों में। अब बहुत फ़ोन आ रहे हैं इनमें ज़्यादा रैम लग रहा था हमें होगी, पर जो है वो ज़्यादा खड़े नहीं हो पाए थे और जो उनकी रैम भी कम पड़ रही थी, इंटरनल कम पड़ रही थी। तो इस कंपनी ने आखिरकार दे दिया है ऐसा फ़ोन कि भैया सालों तक आप कम नहीं पड़नी अगर सही से यूज़ करेंगे तो रैम और इंटरनल। इस फ़ोन का प्राइस बता दो, इस फ़ोन के प्राइस सिर्फ 56,000 है। अगर आप एसेट खरीद सकते हैं तो ये भी खरीद सकते हैं बेशक। अब चाहे इस फ़ोन के कुछ प्रोस बता देता हूँ। इसके अंदर 60 MP रियर कैमरा है, फ्रंट में 2 20 MP के कैमरा हैं, सेल्फी बढ़िया आई इससे, 12 GB रैम, 1 TB की ह्यूज इंटरनल मेमोरी। और इस फ़ोन का नाम भी बताता हूँ, इस फ़ोन का नाम है टर्निंग फ़ोन कडेंजा। जी हाँ, टर्निंग फ़ोन कडेंजा का नया मॉडल है ये। अब चलें इसके कुछ फीचर्स या स्पेसिफिकेशन कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है 5.8 इंचेस का 2K डिस्प्ले यानी 2560x1440 पिक्सल्स वाला ये IPS LCD डिस्प्ले है जो मल्टी टच है। इसमें 60 MP का रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा इसमें 2 हैं 20 MP वाले। इस पर आपका फुल HD रिकॉर्डिंग क्या भाई 4K रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे ऑटो फोकस, फ्लैश, जियोटैगिंग, टच फोकस जो कॉमन फोकस रहता है। अब तक इसके कैमरे की कुछ खास बात के मैं बात कर लेता हूँ। जैसे आप जान पाए यहाँ पे जो है ये IMX 6K का क्वाड रियर कैमरा है जिसमें ट्रिपलेट लेंस है T1.2K और फ्रंट 20 MP+20 MP। अब कम्युनिकेशन की मैं बात करते हैं, ये फ़ोन जी डुअल सिम है, इस पर आपका जो है ब्लूटूथ 4 है और आपका 3.5 mm ऑडियो जैक है। अब चलिए इंटरनल की बात करते हैं। इसके अंदर 1 TB की इंटरनल है और साथ साथ इसमें आप 500 GB तक का कार्ड भी डाल सकते हैं फ़ोन के अंदर। जल्दी से बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ़ोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी है, बैटरी टाइप की लिथियम आयन है। चिपसेट इसमें जो है 2 Snapdragon 830 पड़े हैं, 2 Snapdragon 830 यानी कि 16 Cairo प्रोसेसर है। 12 GB रैम है, इस पर जो है आपका जो GPU है वो डुअल है Adreno 540। जनरल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपका जो है जो OS है एंड्रॉयड है, पर वो सॉफ्ट फिश एक मतलब कस्टमाइज्ड OS के ऊपर एक लेयर लगी हुई है। 4G सपोर्ट करता है, अभी इतने सारे इसके बैंड सपोर्ट करता है तो प्लीज़ स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा, ये सब बैंड्स उसमें सपोर्ट करता है फ़ोन में। और आपका जो GPS AGPS और जितने बेसिक सेंसर्स हैं जायोस्कोप जैसे वो सब फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं। और आपका कुछ स्पेशल फीचर जैसे कि चैट विद वॉइस ऑन, वॉइस कैन ऑल्सो भी यूज, यानी आप आवाज़ को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और बाकी इतने कॉमन सेंसर सब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो देखिए बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों।